दोस्तों आप लोगों का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आज हमने इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड करके एक अच्छा मुनाफा कमाया। मॉर्निंग के टाइम में मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ था, हमने वहां पे शॉर्ट सेल का ट्रेड बनाया था और शॉर्ट सेल में दोस्तों आपको बताएंगे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। आखिर इसके पीछे रीजन क्या था, जबकि हमने ही कहा था कि मार्केट अभी पॉजिटिव रह सकता है, फिर भी आज हमने शॉर्ट सेल का ट्रेड लिया, इसके पीछे लॉजिक क्या था वो समझाएंगे। साथ में अगेन हमने निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो दोनों को दोस्तों जो हमने मॉर्निंग में लेवल डिसाइड किया था वहां पे हमने बाई किया। अगेन बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट, निफ्टी में दोस्तों 150 पॉइंट हमने अगेन प्रॉफिट बुक किया। तो एवरीथिंग बहुत क्लियरली समझाएंगे, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ में मंडे के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है वो भी डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले ले चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और आपको दिखाना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि आखिर हमने डाउनसाइड ट्रेड करके 400 से 500 पॉइंट कैसे लिया और फिर अपसाइड मूव में हमने कैसे ट्रेड किया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। यहां से दोस्तों देखो 5 मिनट के चार्ट पे आ जाओ, यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने गैप ओपन दिया था, ये पता था देगा क्योंकि मैक्सिमम चार्ट पे बाइंग पैटर्न फॉर्म था, तो ये एक एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट ऊपर ओपन होगा। ओके अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ था, कोई पिक्चर परफेक्ट कोई पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ था, फिर भी हमने जैसे यहाँ पे ये कैंडल फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ, ये कैंडल दोस्तों जैसे यहाँ पे आया, हमने यहाँ पे मैसेज किया कि आपका बैंक निफ्टी है वो यहाँ से 500 पॉइंट नीचे आ सकता है। ठीक है 500 पॉइंट नीचे आ सकता है, किन्हीं को भी सेल करना है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, आप इस कैंडल के हाई केएसएल से सेल कर सकते हैं और नीचे डाउनसाइड 500 पॉइंट का टारगेट है, जहां मर्जी वहां पे बुक कर सकते हैं। ऐसा हमने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे मैसेज किया था। ठीक है अब आपको दिखाते हैं, फिर चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहां भी देखिए इसने क्या किया, यहां दोस्तों एक इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म किया। आखिर जब मार्केट आपका 4H के चार्ट पे बाइज में था तो हमने शॉर्ट क्यों किया, सबसे बड़ी रीजन है ना कि अगेंस्ट द ट्रेंड क्यों गए, आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या था। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम जो मार्केट है वो आपका बेयरिश ट्रेंड में है। ओके तो इसके अकॉर्डिंग हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, जब जब डिस्टेंस के पास मिलेगा देन। ठीक है सेकेंड थिंग दोस्तों जो मेरा एडवांस टेक्निकल है, एडवांस टेक्निकल ठीक है, एडवांस टेक्निकल में ये है कि कभी भी जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो कभी भी जो मेरी पोजीशन बनती है, जो एंट्री बनती है, वो कभी भी यहाँ पे नहीं बनती है, ऑलवेज रिट्रेसमेंट पे इसको करते हैं। मीन्स कि पहले से पता था कि आपका जो बैंक निफ्टी है 39,000 यहाँ देखिएगा ठीक है 39,000 से 38,950 का लेवल ये टच कर सकता है और ये होगा हमारा बाइंग एरिया। ये हमने पहले ही मैसेज किया था, एकदम क्लियर मैसेज था, आपको दिखाएंगे। ठीक है तो क्या हुआ आप देख सकते हैं, तो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, हमने एक मैसेज किया था तो हमारे जो स्टूडेंट हैं ठीक है बहुत लोग जो स्मॉल ट्रेडर हैं वो लोग तो 100-200 पॉइंट लेके एग्जिट हुए, और दोस्तों कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बिग प्रॉफिट लेते हैं ठीक है पूरा राइड करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा 57,000 का प्रॉफिट, किसी ने 30,000 का, किसी ने 20,000 का, इस तरह से प्रॉफिट बुक किया। ठीक है तो आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का एक मूव हमें देखने को मिला। ठीक है अब बात करते हैं इस मूव का, अभी ये मूव देखो आप ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखो पहले से तो मूवमेंट पता था ना कि 39,000 के पास में एक बार टच करने जब आएगा तो यहाँ पे हमें बाय साइड में ट्रेड लेना है अकॉर्डिंग टू 4H टाइम फ्रेम, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है बाय करना है, बट बाय तभी करना होता है जब आपका एक रिवर्सल फॉर्म हो। ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी इसने टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे काफी परेशान किया, बट परेशान करने से कुछ नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों पता है कि ये बाइंग एरिया में हमने बहुत ही क्लियरली देखो, आप कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आप कहते हैं कि लाइफ टाइम सपोर्ट कैसे आप देते हैं मैडम, तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जब मार्केट बार बार यहाँ पे कंसोलिडेट करा था एट दैट टाइम हमने क्लियर मैसेज लिखा था अपने प्राइवेट चैनल पे कि होल्ड बाय साइड पोजीशन क्लियरली, क्योंकि पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसने रिवर्सल दे दिया था, एक बार दिया फिर नीचे आया फिर यहाँ पे नीचे आया, बट जैसे ये फॉर्म हुआ हमने क्लियर मैसेज कर दिया था। आप देख सकते हैं यहां से मार्केट ने अगेन 700 पॉइंट दोस्तों दिया और इसमें भी बहुत अच्छा, इस मोमेंट में बहुत अच्छा मुनाफा हमने कमाया। तो डायरेक्ट दो ही ट्रेड था आज, एक दोस्तों यहां पे सेल का और यहां पे बाय, बिल्कुल टॉप पे हमने सेल किया और बिल्कुल बॉटम में हमने बाय किया, यही तो है कैंडलस्टिक पैटर्न, यही तो है टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन, यही तो है एडवांस टेक्निकल, जहां पे आपको एवरी टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखना होता है, टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप ट्रेड बना सकते हैं।
हमने क्लियर एक बात और लिखा था कि आप चाहे तो यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो वेट कर सकते हैं डायरेक्टली इस पॉइंट का, जब यहाँ आएगा तो आप बाई कर सकते हैं। तो आपको जिस लेवल पे कंफर्टेबल फील हुआ आपने उस डायरेक्शन में ट्रेड लिया, वेरी सिंपल। ओके चलिए अब बात करना चाहेंगे नेक्स्ट डे के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, यहाँ पे अगेन एक बाइंग पैटर्न फॉर्म है, इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है, ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मंडे को यदि स्कैंडल का हाई ब्रेक होता है 39,691 का, कितना 39,691 का, ठीक है, तो आपका ये बुलिश ट्रेंड में हो जाएगा। और यहाँ से जो अपसाइड टारगेट है वो आएगा 40,500 से 40,700। एक बात कहना चाहेंगे बिगिनर, कृपया करके कंफ्यूज ना हो, बिकॉज ये इस लेवल पे जा सकता है, क्योंकि ये जो मंथली टाइम फ्रेम का है, यहाँ पे देखो मंथली टाइम फ्रेम पे जो बियरिश ट्रेंड है आपका मार्केट का, तो ये रिट्रेसमेंट पे जा रहा है। इसका रिट्रेसमेंट वैल्यू ही दोस्तों यहाँ पे बन रहा है 41,000 के पास में, ठीक है, तो यहाँ पे जब जाएगा ना देन यहाँ से पोजिशनल ट्रेड आपको फिर से बताएंगे 35,000 के लिए, इसलिए हमने पोजिशनल यहाँ पे अपने स्टूडेंट को ट्रेड नहीं करवाया है, ठीक है। तो काफी कुछ देखो टेक्निकल आपको अच्छे से आना चाहिए, टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन मस्ट है दोस्तों, किस टाइम फ्रेम पे क्या चार्ट कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। तो यहाँ पे क्या है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मींस कि डेली और फोर के अकॉर्डिंग आपका जो बैंक निफ्टी है वो बुलिश ट्रेंड में है, बट अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम ये बियरिश ट्रेंड में है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग बाय ऑन डिप करना है और उसके अकॉर्डिंग सेल ऑन राइज करना है। ओके अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ से अपसाइड टारगेट आप क्या है 40,500 से 40,700 यहाँ तक, ठीक है, तो हो सकता है एक बार इसका हाई ब्रेक हो और देन मे बी एक बार अगेन 39,200 आए, तो फिर आप ऊपर में कहीं डिस्टेंस पास में मिले, चाहे 41,000 मिले, 40,000 मिले कहीं भी, तो आप फिर सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो इंट्राडे ट्रेडर है ना 100-200 पॉइंट भी लेके निकल सकते हैं, और आपको यदि टेक्निकल पे कॉन्फिडेंस है देन आप चाहे तो लंबा प्रॉफिट भी ले सकते हैं, ठीक है। वैसे भी दोस्तों फोरेज के अकॉर्डिंग ऐसे भी जो टारगेट है वो है 40,000 का, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम अब इसमें क्या हुआ 40,500 ये हो गया, और ये 40,700 ये इसका टारगेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद देखते हैं ये क्या करता है, क्या यहीं से बैक होता है फिर और ऊपर जाता है, तो फिलहाल आपका स्मॉल टाइम फ्रेम पे बाय ऑन डिप हो गया है, ठीक है। चलिए अब बात करना चाहेंगे निफ्टी के बारे में। देखिए निफ्टी में भी क्या हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है, ओपन लो सेम था बट ओपन लो ब्रेक हुआ, हमने यहाँ पे क्लियरली मैसेज किया था ओपन लो ब्रेक भी हो सकता है, इसलिए कोई भी बाय साइड में ट्रेड नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों देखो क्लियरली क्या था, यहाँ पे कोई भी पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ था, बट जैसे ही ये कैंडल ऊपर गया हमने यहाँ पे हमने सेल के लिए बताया था, और यहाँ से देख सकते हैं मार्केट ने जो लो लगाया वो क्या था, वो था आपका 16,958 का, 17,000 तक के लिए हमने शॉर्ट सेल के लिए बताया था कि इजिली आपको यहाँ से 100 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मूव इसने यहाँ से यहाँ तक दिया। अब आपको दिखाते हैं एक चीज और दोस्तों, इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने क्या किया था, सेल पैटर्न फॉर्म किया था, और फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया। जब ये नीचे आया यहाँ पे हमने आखिर बाई क्यों किया, बिकॉज फोरेज के अकॉर्डिंग ये था इसका रिट्रेसमेंट वैल्यू, हमने पहले ही मैसेज किया था ये आपका 16,000 देखिएगा 970 से 17,000 आ सकता है, और एक लर्निंग लैब मार्केट चैनल है वहां पे हमने मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले ये लेवल दिया था कि मार्केट यहाँ पे आएगा तो ये आपका बाइंग एरिया होगा। ओके इसके बाद क्या हुआ, हमने यहाँ पे बाई किया, और बाई दोस्तों ऐसे नहीं करते हैं, यदि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिवर्सल दे देन आपको बाई करना होता है। इसने देखो कहीं पे भी नहीं दिया, एक यहाँ पे दिया था, एक हमने यहाँ पे 50 पॉइंट दिलवाया था, ठीक है, फिर दोबारा जब यहाँ पे है तो यहाँ पे भी हमने बाई करवाया था, और देख सकते हैं यहाँ से बहुत अच्छा मूव आपको लगभग दोस्तों 150 पॉइंट का अप मूव देखने को मिला। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था, अगेन यहाँ बाई किया, और सेल और बाई दोनों करके एक अच्छा मुनाफा कमाया। मार्केट जो कहता आप वही करो, ठीक है, ज्यादा बढ़िया। अब यहाँ पे बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, तो कोई पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ है क्योंकि ये कैंडल हो गया बियरिश। अब फोरेज की बात करेंगे तो अभी भी इसका टारगेट नहीं दिया है, अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न इसका टारगेट आएगा दोस्तों 17,250 से 17,300। यदि आपका मंडे को मार्केट 17,100 के ऊपर सस्टेन कर गया, ये सपोर्ट एरिया हो जाएगा, सस्टेन कर गया देन आपका मार्केट 17,250 से 17,300 जा सकता है, और यहाँ पे आने के बाद यदि कोई 15 मिनट पर रिवर्सल देगा देन आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मंथली पे क्या है आपका मार्केट
सेल में है, ठीक है। आपको बार बार कहते हैं कि एक ही बार ये ऐसे 16,000 नहीं आ जाएगा, ठीक है, ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यूज करना है। इंट्राडे आप चाहे तो बाई भी कर सकते हैं और पोजिशनल या सेल साइड में ट्रेड बनाएंगे। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो या फिर नौकरी का हो या दोस्तों SBI हो, TCS था, एक्सिस बैंक था, सभी स्टॉक ने धमाल मचा दिया आज, ठीक है, और बहुत अच्छा पैसा बना। अब बात करेंगे कुछ स्टॉक जो कल आप जिसको बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले TCS के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, इसके पीछे रीजन क्या है समझिएगा। देखिए TCS का आज क्या था, ओपन लो सेम था, कुछ बैड न्यूज था इसके अंदर, बट कोई नहीं। अब देखो 3150 का जैसे ही ओपन लो सेम हुआ, हमने मैसेज किया बाई के लिए, इसने जो हाई लगाया था 3221 का, अब देखो आप 3222 का इसने हाई लगाया। अब देखिएगा हमने जो बाई करवाया था इसके पीछे लॉजिक क्या था, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पैटर्न एक फॉर्म था, इसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, और फिर क्या हुआ रिट्रेसन पे आया, फिर यहाँ से बहुत अच्छा मूव दिया। दोस्तों मंडे के लिए भी आप TCS को रडार पे रख सकते हैं। रीजन क्या है कि आज देखो लास्ट आवर में क्या हुआ था, नीचे आया था, बट क्या हुआ रिकवर कर गया, और यदि मंडे को इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है 3158.85, ठीक है, लो ब्रेक नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये आपको 3250 तक का भी रेट दिखा सकता है, ठीक है, तो आप इसको रैड पे बिल्कुल रखेंगे। पहले दोस्तों इंट्राडे में छोटा ट्रेड लेना, आप 3200 ले सकते हैं, 3220 ले सकते हैं और फिर 3250, तो स्टेप बाय स्टेप जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा बात करना चाहेंगे एक और स्टॉक के बारे में थोड़ा सा, दोस्तों यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको एक्सिस बैंक। आज हमने इंट्राडे में दिया था बाय साइड के लिए, अगेन आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे देखो मंथली में क्या है, ये मंथली पे ये बेयरिश इंगल्फिंग है, हमने सेल के लिए आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है, ड्यू टू दिस पैटर्न इसका टारगेट डाउनसाइड कितना आएगा 700, बट ये वापस आओ कहेंगे कि ये आपका रिट्रेसमेंट पे जा रहा है। जिस तरीके से हमने SBI आपको शॉर्ट करवाया था वैसे ही एक्सिस बैंक का भी दोस्तों यहाँ पे 870 से 900 इसका रिट्रेसमेंट वैल्यू, यहाँ पे जाने के बाद यदि कोई रिवर्सल देगा देन आप सेल साइड का ट्रेड बनाएंगे। यहाँ पे देखो जाने के बाद यदि आवरली या फोर डेज के टाइम फ्रेम पे बनाएगा देन आप सेल करना, ठीक है। फिलहाल स्मॉल टाइम फ्रेम पे ये बुलिश है, यहाँ पे देखो क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म है, इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये दोस्तों आपको हो सकता है 860, यहाँ देखिएगा 850 से 860 का रेट ये दिखा सकता है, तो आप इसको मंडे को भी बाई करके चल सकते हैं, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और स्टॉक है, और दोस्तों BPCL के बारे में बात करना चाहेंगे क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया था BPCL के बारे में, ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है वो आप समझिएगा। BPCL देखिए ये मंथली पे बहुत स्ट्रांग है, आप यहाँ देखो हमने आपको बताया था कि रिट्रेसमेंट पे आप इसको बाई कर सकते हैं, इस लेवल पे इसने 50 पॉइंट का मूव दे दिया, आप देख सकते हैं इसने जो हाई लगाया है यहाँ पे 354.95 का, ठीक है, 50 पॉइंट का हाइक इसने दे दिया है, अभी भी इसमें 50 पॉइंट का हाइक बचा हुआ, मीन्स की 400 का रेट ये दिखा सकता है ड्यू टू दिस पैटर्न, और यहाँ पे भी MACD क्रॉस है, ओके। अब थोड़ा सा आपको दिखाएंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पे, डेली पे भी दिखाना चाहेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे क्रिस्टेंस का ब्रेकआउट भी ये दिखा सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा रडार पे रखिएगा आप लोग। इसके अलावा दोस्तों एक और स्टॉक है IT का, वो है विप्रो। विप्रो भी दिखाना चाहेंगे क्योंकि विप्रो में यहाँ पे देखो आप, ये देखो विप्रो यहाँ पे क्या है फोरेज के चार्ट पे, यहाँ पे दोस्तों एक पैटर्न है और साथ में आवरली की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हैमर है, ठीक है। इसने अभी हैमर का यहाँ पे क्या किया, हैमर का इसने टारगेट नहीं दिया है, अकॉर्डिंग टू दिस इसका जो टारगेट है 383 के आसपास का, ठीक है, तो आप इसमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डिवीज लैब है, आप उसको भी बाय कर सकते हैं, और कई सारे स्टॉक है जिसमें बाइंग पैटर्न फॉर्म है, तो बहुत सारे स्टॉक यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाता है इसलिए, ठीक है। आप इसके लिए क्या करेंगे, जो मेरा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे होल डे मार्केट में क्या मूवमेंट होता है आपको अपडेट मिलते रहता है, आपको दिखाना चाहेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा विनीता भारती चार्ट एनालिसिस नाम से पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे होल डे जैसे देखो यहाँ पे क्या था, बजाज फाइनेंस का चार्ट हमने पोस्ट किया था, आज बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। इसके बाद देखो आप यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी के बाद देखिए होल डे, ये तो मॉर्निंग है मार्केट ओपन से पहले, के बाद दोस्तों जैसे ही मार्केट ओपन होता है आपको सारा मैसेज आते हैं और जाते रहते हैं। यहाँ देखिए जैसे मार्केट ओपन हुआ आपको सारा यहाँ पे मैसेज जाते रहता है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ देखो यही मैसेज की हम बात कर रहे थे, यहाँ आप देख सकते हैं
हमने क्लियरली मैसेज किया था, नाउ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इफ फॉर एच रिट्रेसमेंट पे आया देन सेल साइड निफ्टी में 100 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट, हमने क्लियरली मैसेज किया था। सेल भी कर सकते हैं या फिर रिट्रेसमेंट का वेट फॉर बाइंग। देखो आप 9:21 पे हमने किस तरीके से क्लियरली एवरी पॉइंट यहाँ पे राइट डाउन कर दिया था। ठीक है, अब आपकी मर्जी जितना पैसा उतना ले सकते हैं। नौकरी दोस्तों आज बहुत बढ़िया दिया था रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे। ठीक है, इसके बाद देखिए तो आपने देख लिया यहाँ पे, इसके बाद आपको और भी दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ देखो हमने यहाँ पे क्लियरली देखो ये भी आप देख सकते हैं निफ्टी का है ना, अगेन हमने री एंटर करवाया था निफ्टी में, दो बार ट्रेड करवाया था। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं निफ्टी में सेलिंग के लिए दिया था, इसके बाद दोस्तों देखो बैंक निफ्टी भी देखो सेल साइड के लिए हमने दिया था। ठीक है, रिट्रेसमेंट पे जाता है तो बार बार ट्रेड भी करवा देते हैं, मतलब एक में ही दो बार तीन बार करवा देते हैं, इतनी मतलब जब जब जाता है ना करवा देते हैं। यहाँ देखिए जैसे निफ्टी ने स्टार्ट फॉर्म किया, हमने आपको यहाँ पे सेंड किया था, तो ये अपडेट आपको होल डे मिलते रहता है। यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया। स्टूडेंट का TCS देखिए यहाँ पे, इसने इन्वर्टेड हैमर फॉर्म किया, हमने यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, एक्सिस बैंक आप देख सकते हैं H4 मॉर्निंग स्टार जैसे ही आया हमने यहाँ पे मैसेज किया, और फिर क्या हुआ दोस्तों यहाँ देखो, ये देखो जो कोर्स वाले स्टूडेंट है ना, यहाँ पे नीता भारती चार्ट एनालिसिस मेरा प्राइवेट चैनल है, यहाँ पे कोर्स के स्टूडेंट को लाइव मार्केट में ट्रेनिंग देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ देखो हमने क्लियरली मैसेज करके यहाँ पे मैसेज कर दिया था। ठीक है, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो समझ आया, हमने ऐसा मैसेज भी किया है क्योंकि क्या होता है हमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, के बाद देखिए तो लर्निंग अर्निंग दोनों साथ में होता है। यहाँ देखिए दोस्तों हमने देखो यहाँ पे क्लियरली मैसेज किया था 16,980 से 16,960 जगह, यहाँ बाई मिस्टेक है। ठीक है, तो देखो आ गया, और ये जो मैसेज था 847 का, मार्केट ओपन से पहले ही हमने ये मैसेज किया था। ठीक है, ये होता है टेक्निकल। इसके बाद आप देखो प्रॉफिट 27,000 रुपये, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए दोस्तों ये सेल साइड का ट्रेड था, 27,000 प्रॉफिट जिनको राइड करना था उन्होंने कंप्लीट प्रॉफिट राइड किया। देखिए बैंक निफ्टी देख रहे हैं ना, बैंक निफ्टी का ट्रेड देखिए दोस्तों, हमने 500 पॉइंट दिया था ना, स्टूडेंट ने कंप्लीट प्रॉफिट यहां पे राइड किया। चल और भी आपको मिलेंगे दोस्तों, काफी है काफी, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा दोस्तों। एक और देखिए यहाँ पे हमने जो बाय करवाया था बैंक निफ्टी, ये भी हमने टारगेट दे दिया था बाय साइड का, देख सकते हैं, और कितना बढ़िया मूवमेंट बाय साइड में भी आ गया। तो एवरीथिंग आपको यहाँ पे जाते रहता है। ठीक है, देख सकते हैं पूरा मैसेज ही मैसेज आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखो बैंक निफ्टी का भी हमने अपडेट यहाँ पे कर दिया था, ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आया ना बाइंग के लिए, आप देख सकते हैं ये देखो क्लियरली हमने मैसेज किया है ये बाइंग एरिया होगा कब, 8:51 पे। देखिए ये आपको बताने का एक ही रीजन है कि आप लोग सही डायरेक्शन में जाइए ना, बार बार इस चैनल पे मैसेज क्यों भेजते हैं, इसके पीछे रीजन है, लॉजिक है, ताकि आपको चार्ट के ऊपर ट्रस्ट हो कि नहीं जो भी भेज रहे हैं मार्केट में ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए और कोई बात नहीं है इसका। देख सकते हैं होल डे दोस्तों, देखो TCS देखो हमने अगेन यहाँ पे सेंड किया था, और बहुत अच्छा देखिए TCS यहाँ पे देखो क्लियर, देखो आप TCS बाइंग एरिया दिया हुआ है। ठीक है, 3217 से 20 टारगेट हिट। ओके, तो ये चीज होता है, एवरी ट्रेड आपको दिखाएंगे, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ चार्ट फॉर्म होता है दोस्तों, ट्रेड भी देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए निफ्टी में देखिए आप देख सकते हैं कॉल साइड प्रॉफिट, देखिए दोस्तों देख सकते हैं कॉल साइड यहाँ देखिए प्रॉफिट, इसके बाद कॉल साइड प्रॉफिट, फिर बाय में आ गए। बजाज फाइनेंस का हमने दिया था दोस्तों आज ट्रेड, देख सकते हैं 5750 का टारगेट हिट। ठीक है, ये दोबारा है री एंट्री है, मॉर्निंग में तो आया पैसा दोबारा भी आया था। यहाँ देख सकते हैं 23,000 का प्रॉफिट एक स्टूडेंट का, यहाँ देखिए 10,000 का ये प्रॉफिट है। इसके बाद दोस्तों होल डे मतलब पैसे की तो बारिश हो गई, और यहाँ देख सकते हैं 57,000 का प्रॉफिट, मार्केट ने कहा बाय तो बाय, मार्केट ने कहा सेल तो सेल, ये होता है टेक्निकल। ठीक है, और ये होता है चार्ट के ऊपर ट्रस्ट, ट्रस्ट करके ट्रेड। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं होल डे और भी कितना दिखाया, काफी वीडियो दोस्तों काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक और स्टूडेंट का है मैसेज, यहाँ देख सकते हैं ये हमारे कोर्स का स्टूडेंट है, इनका प्रॉफिट आप देख ही सकते हैं 17,000 के आसपास है। तो होल डे, और ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट पैसे कमाते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ हमने यहाँ पे स्टॉक दिया था निफ्टी सेल साइड बाय साइड, बैंक निफ्टी सेल बाय साइड, सारा देखो दोस्तों कितना ज्यादा आपको प्रॉफिट यहाँ देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है ना, ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करते हैं कि हमारे स्टूडेंट पैसे डेली कमाते, और आप लोग को यहाँ पे सेंड करते हैं इसलिए ताकि आपको ट्रस्ट हो कि जो चार्ट हमने पोस्ट किया था उस चार्ट पे ही हमने ट्रेड लेके एक अच्छा मुनाफा कमाया। ठीक है, इस चीज को दिखाने के लिए, तो आप लोग भी चाहते हैं इस तरह से टेक्निकल सीख करके
खुद से ट्रेड करना। जैसे मेरे स्टूडेंट कमा रहे हैं तो आप लोग चाहे तो मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है ज्वाइन करने का, आज से ही न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट बैच से जो फी है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आशा करते हैं आज के वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम नया वीडियो के साथ, धन्यवाद।